एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और ये है फ्राइडे की प्यारी सी मॉर्निंग। तो आज था मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट नहीं था, 3 अपॉइंटमेंट्स थे आज मेरे। फाइनल अल्ट्रासाउंड होना था, फिर डॉक्टर विजिट था। तो मैं आपके लिए सोचा कि फॉल के कलर्स थोड़े से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट इस बार ही ना फॉल अभी तक यहाँ प्रॉपरली आया नहीं है, किसी किसी ट्री पर है। लास्ट टाइम तो आ गया था, और इस बार सुनने में भी आया कि फॉल जितना लेट आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। तो यहाँ घर के बाहर ना सब ने हेलोइन थीम भी लगाई हुई थी, तो वो भी मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। और आगे व्लॉग में मैं आपको बताती रहूँगी जो जो भी होता रहेगा। बस अभी फ़िलहाल बीच में थोड़ा सा ब्रेक था अपॉइंटमेंट के, तो हम लोग बाहर आ गए पनेरा ब्रेड पे कुछ खाने के लिए। और आज मैंने और शेखर ने पता नहीं कितने दिनों बाद मी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो फिर तो बेबी होने के बाद और बिज़ी होने वाला है, तो हमने सोचा चलो कुछ अच्छा खाते हैं। और यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक था, तो कुकीज़ वगैरह लगी हुई थी उसी के लिए। और पनेरा ब्रेड पे हमारा ऑर्डर आ चुका था। और खाने के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ थी ये रोड साइड का व्यू, जहाँ से ना फॉल कलर्स दिख रहे थे ट्रीज़ पे, इतना अच्छा लग रहा था। बिकॉज़ ये मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच का टाइम था, और आजकल थोड़ी ठंडी ठंडी होने लगी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये थी मेरी हॉस्पिटल की पार्किंग, तो यहाँ से ना बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज़ दिख रहे थे, तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिए। और अब मुझे जाना था अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। ये आयान ने सारे में अपने टॉयज फैलाए हुए हैं, सुबह से कुछ तो खेल रहे हैं, है ना आयान। और अभी इतनी अच्छी रैंप वॉक दिखाई आयान ने, न्यू बॉक्सर ये मैं इसके लिए बॉक्सर्स लेके आई थी, और अब विंटर्स में पहन रहे हैं। चलो आयान वॉक दिखाएगा, चलो कम ऑन। ओके चलो आ जाओ, स्टार्ट करें प्ले करना। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और ये जो व्लॉग है ये कल का ही कंटिन्यूशन है। तो कल आने के बाद फिर इंडियन स्टोर गई, क्योंकि करवा चौथ था तो कुछ चाहिए रहता है। तो ये देखो इंडियन स्टोर से क्या मिला, रसगुल्ला। मैं नहीं खा सकती, लेकिन लेकर आई पूजा के लिए, तो मैं अपने लिए ये लेकर आई। हेल्दी पीनट और कैश्यू चिक्की है, और इसमें मिश्री ऐड है, तो थोड़ा बहुत अगर खाना होगा तो इससे खाऊंगी। एनीवेज आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका करवा चौथ काफ़ी अच्छा गया होगा। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक इंडिया में करवा चौथ हो चुका होगा। यहाँ पर आप अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक संडे में कुछ जगह संडे था, कुछ सैटरडे था, तो मैंने संडे ही किया है फिर फिलहाल। और बस अभी पूजा के लिए कैलेंडर वगैरह लगाया है मैंने यहीं पे मंदिर में ही। तो ये जिस ईयर में आई थी ना उसी ईयर का कैलेंडर है, उससे उस साल ही मैंने प्रिंट आउट ले लिया था, तो वही एवरी ईयर यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर है आयान, सुबह से रेडी होके घूम रहा है। तो बस अभी करेंगे खाने वाने की तैयारी थोड़ी सी। ओके, विराट कोहली बना हुआ है, सुबह से मैच चल रहा था, अब शांति है, मैच हो गया फिनिश, तो अब सब अपने अपने काम पे जाएंगे। और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, देखती हूँ अगर ठीक लगा तो रेडी होंगी, वरना ऐसे ही पूजा कर लूँगी। तो ये मेरे पास एक रेड कलर का टॉप था जो लास्ट बर्थडे पे इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, तो वही, तो अभी डिसाइड कर रही हूँ कि क्या डालूं। थोड़ी बहुत देर के लिए जब पूजा करूंगी तब साड़ी डाल लूंगी। और आप लोग मुझे अपने फ़ोटोज़ सेंड करना, तो मैं पोस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे। सब लोग बताना कैसा गया सबका करवा चौथ। करवा चौथ पे जितनी खुशी लाइक अपने हस्बैंड के लिए फास्टिंग करने की होती है, उससे ज़्यादा हम लेडीज़ को खुशी होती है रेडी होने की। क्योंकि एक दिन मिलता है जहाँ पर हम अच्छे से रेडी होते हैं, कुछ नया पहनते हैं, नया ट्राई करते हैं। तो बस इस बारी मेरा थोड़ा सा डल है, मतलब लाइक अगर आपको बॉडी में थोड़ा एनर्जी फील ना हो रही हो ना,
वक्त तो आपका मन भी इतना वो नहीं होता, बट स्टिल मुझे कुछ दिखाना था आप लोगों को। तो ये दो साड़ीज हैं, लाइक एक ये साड़ी है मेरे पास, ये मुझे शेखर ने अभी दिलवाई थी। लाइक हमारा प्लान था कि हम बेबी शावर करेंगे इंडियन तरीके से, तरीके की ये बॉर्डर है, बहुत ही प्रिटी सा कलर है, बट इसका ब्लाउज़ मैं नहीं बनवा पाई। और एक मेरे पास ये आपने देखी होगी लास्ट व्लॉग में, सिया फैशन ने मुझे गिफ्ट की थी, एक ये वाली है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो मैं पहन ही चुकी हूँ, लेकिन आई गेस ये ब्लाउज़ चला जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ब्लाउज़ नहीं है। तो इसके ऊपर ग्रीन कलर का, इस कलर का ब्लाउज़ का वो पीस था जो निकाल दिया था मैंने। तो एक ये है, एक ये है, अब देखती हूँ मैं कौन सी पहनती हूँ। शेखर से पूछूंगी तो वो बोलेंगे दोनों ही तो रेड हैं, कोई भी डाल लो। और लेकिन आई गेस ये ब्लाउज चला जाएगा, तो यही ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ग्रीन में नहीं है। मैंने सोचा था कि कुछ क्रॉप टॉप वगैरह ले आऊँगी तो वो चल जाएगा, बट आप क्या कर रहे हो? होमवर्क। और अयान कर रहा है अपना मैथ्स का होमवर्क। अरे हाँ, करवा चौथ पे ना अपनी मदर इन लॉ के लिए या कोई भी बड़ा होता है ना घर में, उसके लिए श्रृंगार का सामान पूछते हैं और कुछ भी कपड़ा पूछते हैं या जो भी हो। तो मैं यहाँ पर कपड़ा तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो मम्मी के लिए ये कल मुझे बिंदियाँ मिली पहली बार पटेल ब्रदर्स पे, और सिंदूर भी मिला, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दूसरे स्टोर्स पे मिल जाती हैं, लिपस्टिक वगैरह, नेल पेंट, जो भी आप चाहें, पर ये चीज़ यहाँ के स्टोर पे नहीं मिलती। तो कल जब मैं उस पे आई ना चेकआउट कराने के लिए काउंटर पे, तो तब मुझे दिखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो मिल गई है। तो बाकी मैं ले आई थी वैसे स्टोर से, और ये वाली अभी लास्ट ईयर का भी मम्मी का ऐसे ही रखा है, तब से गए नहीं है और मम्मी से मिले भी नहीं है। तो चल हाँ, मैं आपको रेडी होके मिलूंगी। और इस बच्चे को ये बिंदी लगानी है ना, ठीक है, मम्मा के साथ रेडी होना। ये यू आर अ बॉय ना, लेकिन यू डोंट केयर। ओके जी, अयान पूछ रहा है ये क्या होता है, क्या होता है अयान ये? This is like stuff that girls do when they put their thumb in and their bone. Yeah, well, boys do like bone and then girls do like bone. Okay. Okay जी, तो यहाँ पर आ गई थी मैं पनीर बटर मसाला बना ले, क्योंकि आज मैं विदाउट गार्लिक विदाउट अनियन बनाने वाली थी। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया है ऑयल, ऑयल में मैं थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे लौंग, एक बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, और ये कलर के लिए ना मैंने थोड़ी सी रेड चिलीज़ भी ऐड कर दी है। अब इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ टमाटो लिए थे, जिनको चॉप करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो टमाटोज़ को हमें अच्छे से गलाना है, और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी कैश्यू। तो आप कैश्यू ना हो तो भिगे हुए बादाम ऐड कर सकते हैं इसमें, लाइक आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर बस मैं इसमें कैश्यू और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ढक दूँगी, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए, जैसे हम चटनी बनाते हैं ना टमाटर की वैसे ही। और टमाटो यहाँ का खट्टा नहीं होता, तो मैं इसमें अमचूर ऐड कर रही हूँ, बट इंडिया में अगर आप यूज़ कर रहे हैं टमाटो तो वहाँ पर काफ़ी खट्टा होता है, तो फिर उसके हिसाब से आप शुगर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रेवी है ये प्योर टमाटो इसमें बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। साथ में मैंने बनाई थी मिक्स वेज, कैरेट की खीर और रायता और पूरी इन लोगों के लिए, मैंने तो चपाती खाई थी। तो मैंने उसकी जो रेसिपी है वो शेयर नहीं की है इस वाले व्लॉग में, फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शाम तक आते आते ना मेरी बैटरी लाइक टिम 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 करने लग जाती है। तो बटर मसाला पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, बट ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बनती है, कभी इसको एक ट्राई दीजिएगा। और जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए ना, फिर हम इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे।
तो इसके लिए मैंने फिर से लिया है बटर, थोड़ा सा ऑयल एक पैन में, और इसमें जो हमने ग्रेवी पीसी थी ना मैं वो ऐड करूँगी। उससे पहले एक दो मैंने बे लीफ ऐड की है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, कश्मीरी लाल मिर्च। और जब आप ये सब चीज़ें ऐड करें ना तो आपकी गैस बहुत हाई नहीं होना चाहिए, वरना जो लाल मिर्च हैं वो अपना कलर नहीं दे पाती और वो जल जाती हैं और सब्ज़ी में भी फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। बस ये ग्रेवी ऐड करने के बाद मैंने इसमें पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छे से पका लेंगे। और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है भुनी हुई कसूरी मेथी, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके हाथ पे रब करके आप इसमें ऐड कर दें, और एंड में पनीर ऐड किया है। और ये थी मेरी आज की थाली, काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा पाती, बहुत अच्छा खाना बना था। तो शेखर ने काफ़ी तारीफ़ की, और ये जो रायता है ये शेखर ने बनाया था, बाकी का सब मैंने रेडी किया था। और ये थी मेरी शाम को पूजा, पूजा करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया कैसे रेडी हुई क्या हुई, बस जल्दी जल्दी से साड़ी रैप करी और एक दो पिक्चर्स ली। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।